हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नेशनल इनकम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे फॉर सीयूईटी 2024। तो इससे पहले ना, आई वुड एडवाइस कि आप हमारे चैनल पे जाके वो नेशनल इनकम की जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस है वो देख लें, क्योंकि नेशनल इनकम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो इनकेस आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस पहले देख लोगे तो इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a component of domestic income? Operating surplus, compensation of employees, net factor income from abroad, mixed income। तो आपका आंसर होगा net factor income from abroad। ये domestic income का पार्ट नहीं होता। ये लोग जो अब्रॉड में इंडियंस रहते हैं उनके पास से जो फैक्टर इनकम हम लोग कलेक्ट करते हैं उसका पार्ट होता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ऑप्शन सी। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज कॉल्ड मनी इनकम, रियल इनकम, करंट इनकम और डोमेस्टिक इनकम। सो इट इज कॉल्ड रियल इनकम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम और नन ऑफ द अबव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि एनएनपी एट एफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को और क्या बोलते हैं। तो एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो सपोज किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, तो आपको समझ जाना है कि वो आपसे नेशनल इनकम पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए, नेशनल इनकम आपका करेक्ट आंसर है। तो जीएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली जीएनपी एट एमपी विच इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है इसका आंसर होगा जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जीएनपी एट एमपी की वैल्यू आ जाती है। ऑप्शन डी। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड सिंगल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग और नन ऑफ द अबव। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम एक ही बार से ज्यादा एक गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू नेशनल इनकम की जो टोटल करते हैं उसमें काउंट कर लेते हैं तो उसको हम डबल काउंटिंग कहते हैं। तो सपोज एक फार्मर अपनी वीट एक बिस्किट मेकर को दे रहा है जिसकी एक फैक्ट्री है, और बिस्किट मेकर 10 रुपीज में वो अपने बिस्किट सेल कर रहा है, तो वो जो 10 रुपीज है उसमें वीट का कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम की टोटालिटी में अगर उस वीट के कॉस्ट को ऐड कर ले उस बिस्किट के कॉस्ट के साथ तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। हमने वीट का कॉस्ट 2 बार ऐड कर लिया जबकि वो बिस्किट के कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है, तो उसको हम डबल काउंटिंग कहते हैं जो नेशनल इनकम के रिजल्ट को गलत ला सकती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर द ईयर आर कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी जो भी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन जीएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, नन ऑफ द अबव। तो डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जहां पे कैपिटल गुड का वेयर एंड टेयर हो जाता है। सपोज एक गाड़ी 5 साल यूज हुई उसके बाद वो खराब हो गई, उसे हम एक तरह से डेप्रिसिएशन कह सकते हैं कि उसकी एसेट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है नेचुरल वेयर एंड टेयर की वजह से जो यूज के साथ होता रहता है। तो डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट आता है वो कौन से इकोनॉमी के कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है, तो इट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी एमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ दी अबव। तो एनएनपी एट एमपी हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को माइनस करके, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएनपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एट एमपी माइनस सब्सिडी, एनडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो आंसर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मार्केट प्राइस होता क्या है,
एक गुड प्रोड्यूस हुआ उसका एक फैक्टर कॉस्ट होता है, और उसमें हम जब टैक्सेस ऐड कर देते हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट्स में देखा होगा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट प्राइस पर सेल किए जाते हैं उनमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, और अगर हम इनमें से टैक्सेस हटा दें तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो नेट डायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूछ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, नन ऑफ द अबव। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम सब्सिडीज को रिमूव करते हैं तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आ जाती है। ये टर्म्स, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, एंटरप्रेन्योरियल इनकम एंड इंटरेस्ट इज 150, 175 एंड 50। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये एक न्यूमेरिकल है एंड हमें याद रखना है कि अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू पूछी जा रही है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब काउंट होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रॉयल्टी, एंटरप्रेन्योरियल इनकम एंड इंटरेस्ट। तो इन सब को आप ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू 375 आ जाएगी, व्हिच इज 150 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 50। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल ऐड किया है, सो यू नीड टू कैलकुलेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल। तो इसका आंसर भी यहाँ मेंशनड है। आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड गिव द करेक्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड आपको कोई भी डाउट आए इस क्वेश्चन की वर्किंग के लिए, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई हेल्प यू क्लियर दैट डाउट। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, कॉस्ट एंड रिवेन्यू मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड को और क्या बोलते हैं? तो वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ऑप्शन ए। सो इफ द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज 5500 एंड रियल जीडीपी इज 2200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर? तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाती है। सो 5500 डिवाइडेड बाय 2200 इनटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.50। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? डोनेशंस गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, स्कॉलर प्रॉफिट अर्न्ड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन फ्रांस, परचेज ऑफ टेलीविजन सेट बाय अ कंज्यूमर हाउसहोल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अर्न्ड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन फ्रांस एंड परचेज ऑफ अ टेलीविजन सेट बाय अ कंज्यूमर हाउसहोल्ड नेशनल इनकम में काउंट होगा, बाकी सब ऑप्शन ए बी सी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होंगे, बिकॉज प्रॉफिट्स और जो एक परचेजेस होती है वो नेशनल इनकम में काउंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेटेड टू स्टॉक एंड फ्लो? फ्लोज आर डिफाइंड ओवर 1st January, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लोज एंड स्टॉक्स आर डिफाइंड एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टॉक्स आर डिफाइंड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली स्टॉक एंड फ्लो की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फ्लो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल्स आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक वेरिएबल्स दे आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बी यानी आपका करेक्ट आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और आपको ये सीक्वेंस में अरेंज करने हैं ताकि हमारी नेशनल इनकम आ सके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए सी बी। पहले हम जीडीपी एट एमपी व्हिच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जीडीपी एट एफसी में से, जब हमारा जीडीपी एट एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होएगा तो जीडीपी एट एफसी आ जाएगा व्हिच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। तो अगर हम एनडीपी एट एफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें व्हिच इज एनएफआईए, तो हमारा एनएनपी एट एफसी की वैल्यू आ जाएगी व्हिच इज नेशनल इनकम। तो बेसिकली ये तीनों जो टर्म्स है, फॉर्मूलाज है एक तरह से, उन्हें हमें एक सीक्वेंस में लगाना था, एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था ताकि नेशनल इनकम की वैल्यू आ सके। तो आपका आंसर होगा ए सी एंड बी।
ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका सीक्वेंस हमें करेक्टली ऑर्गेनाइज करना है. कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो आंसर होगा सी ए बी डी. पहले हम सारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे जो तीनों सेक्टर्स से आता है, विच इज प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. उसके बाद हम ग्रॉस वैल्यू आउटपुट काउंट करेंगे, फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड काउंट करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीक्वेंस होगा सी ए बी डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी अभी किया था एंड ये एग्जाम में आ सकता है. सो रमेश सोल्ड हिज कार फॉर 5 लाख्स व्हिच ही हैड यूज्ड फॉर 2 इयर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन टेकन बाय मोहन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राधा परचेज गुड्स वर्थ 1000 टू बी सोल्ड इन एन एग्जीबिशन, प्रॉफिट्स अर्न बाय रिलायंस एंटरप्राइज फ्रॉम द ब्रांच इन लंडन. तो आंसर होगा बी सी एंड ई. इंटरेस्ट जो मोहन पे करेगा कार के लोन पे वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो नेशनल इनकम में काउंट होता है, और एक कंपनी जो प्रॉफिट्स कमाती है अपनी अलग अलग ब्रांचेस से वो नेशनल इनकम में काउंट होता है. तो बी सी ई आपका करेक्ट आंसर है. ऐसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट एंड फिर आंसर करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर क्लियर दे विल गेट. नेक्स्ट, To find gross value added, arrange the following in a sequence. So, import, export, domestic sales, domestic purchase of raw materials, change in inventories. तो इसका sequence होगा C D A B E. पहले हम domestic sales calculate करेंगे, फिर domestic purchase of raw materials calculate करेंगे, फिर import और export calculate करेंगे, और last में change in inventories, मतलब एक company के पास जो stock होता है उसमें क्या changes आते रहते हैं उसको calculate करेंगे. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का करेक्ट सीक्वेंस आपका होगा सी डी ए बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो बेसिकली अर्न नहीं की जाती, हमें कोई गिफ्ट दे दे, हम पेंशन कलेक्ट करें, तो वो सब हमारी ट्रांसफर पेमेंट होती है. ये वो पेमेंट होती है जो हम अर्न नहीं करते. स्कॉलरशिप, पेंशन, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सब आपके ट्रांसफर पेमेंट होते हैं. सो पेंशन, फाइन, इनकम टैक्स, नेट इंटरेस्ट, सो इनमें से पेंशन हमारी ट्रांसफर पेमेंट होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इन टू अकाउंट इन डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बेसिकली वो पूछ रहे हैं. अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल गुड, वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल गुड, डिसयूज ऑफ कैपिटल, डैमेज ऑफ कैपिटल गुड ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज. तो डेप्रिसिएशन इज द वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल गुड. तो इट इज अ वेरी नेचुरल वेयर एंड टेयर जो टाइम के साथ हो जाता है, तो वो हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नेशनल इनकम, एंड आई वुड से कि आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखें फिर ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, तो एक तरह से आपका पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा एंड क्लियर भी हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.